सिरों का रंग हो या गेंदे का फूल हो, उनको पानी में उबालो तो रंग अपने आप नेचुरली बनेगा। जैसा दो तेल की दाल हो तो वो पानी बिगड़ेगा नहीं, वो एक दूसरे को छाटो तो शरीर में से पित्त दोष नाश होगा, रंग लगाने का फायदा कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो त्वचा के लिए फायदा करता है। गेंदे के फूल से जो कलर बनता है उनके सुर का नारायण हरि बजारी जो कलर छाड़ के दूसरे को मुसीबत पैदा करते हैं अपने लिए। इसलिए बापू जी ने ये रंगों का प्रभाव, नहीं तो ब्रह्मज्ञानी संत को ये पिचकारी रंग मंग ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन समाज को अच्छा ज्ञान मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। मुंबई एयरपोर्ट में एक सज्जन काम करते मैनेजर, उनके पिता की तबीयत बहुत खराब होती थी, लाखों पति आदमी करोड़पति पैसे की कमी नहीं, लेकिन इलाज नहीं कर पाते थे, मतलब कराते होते भी सफल नहीं होते थे। बापू जी की महिमा सुनी, सूरत आश्रम में भूमि परमा कर रहे, वहाँ तो लाखों लोग ये सुन है, देखो कितने लोग लाखों लोग, कौन व्यक्ति क्या है किसको कैसे पता चले किसको क्या तकलीफ है। तो बापू जी को ब्रह्मानंद की मस्ती में रंग छाट है ब्रह्मरस, वो मुंबई एयरपोर्ट के मैनेजर का बाकी उस भीड़ में शामिल होगा। बापू जी का बम्बई जाना हुआ तो मैनेजर बापू जी का सामान लेते थी बापू जी का इतना हमारे लिए भाव कैसे हो गया, और बापू जी मेरे पिताजी आपके आपको न्याय से सूरत में जल्दी भाव सुनना है, हजारों लाखों रुपया खर्च के उनकी तबीयत का ठीक नहीं होता था, रोज मिटते नहीं थे, जब से आपके कर कमलों से होली का रंग लगा बिना दवा से ठीक हो गया है। बोले बापू जी हमारे पिताजी ने आपको अपनी समस्या भी नहीं बताई थी, लाखों की भीड़ में उनके ऊपर रंग लगा, एक एक सज्जन ने बताया दूसरों को क्या क्या फायदा होता होगा वो तो नारायण हरि। आइए ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में वंदना करें, फिर आरती करके हम विदा होंगे। I'm gonna go get
हो।